हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सिटी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर 2020 दिन है मंगलवार का। उत्तर प्रदेश में आप चाहे जिस भी जनपद से हो, चाहे जिस भी कस्बे में रहते हो, कमोबेश हर जगह यही स्थिति है कि बिजली नदारद है। पूरे प्रदेश से लगभग ब्लैकआउट की स्थिति बन चुकी है और लोग बिजली न होने से अब बिलबिला रहे हैं। स्थिति ये बन गई है कि अब पानी और जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। प्रयागराज की बात करें तो डेली एसीओ में रहने वाले जो छात्र हैं वो भी अब बहुत परेशान हो गए हैं। कटरा में छात्र सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में भी बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बघाड़ा, अल्लाहपुर, दारागंज में भी सप्लाई ठप होने से प्रौद्योगिकी छात्रों की जो पढ़ाई है वो मुश्किल में पड़ गई है। 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस की परीक्षा है, ये तो आप जानते हैं, और बिजली न होने से उनकी तैयारी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही साथ पूरे शहर में जो छोटे बड़े नलकूप हैं वो नहीं चल रहे हैं, तो पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। हर तरफ से टैंकर की मांग की जाने लगी है। अलग अलग क्षेत्रों में सुबह से शाम तक करीब 100 टैंकर पानी बारी बारी से भेजा गया। करेला बाग इलाके में रोज की तरह 10 टैंकरों से जलापूर्ति की गई, यानी कि स्थितियां जो है वो अब काफी जो है परेशानी का कारण बनती जा रही है। वजह यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में सोमवार को कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सुबह 9 बजे से देर रात तक बिजली गुल रही, इसके चलते लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ा। और बात करें तो ओबरा और अनपरा की 6 यूनिट से उत्पादन बंद है। उधर पूरे दिन बिजली गुल रहने से लोगों का धैर्य भी जवाब दे गया है। शाम तक कई जिलों के लोग उप केंद्रों पर धरना देने पहुंच गए। देर रात तक बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद जारी रही, लेकिन फिलहाल बहुत सारी जगहों पर अभी बिजली शुरू नहीं हो सकी है। बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर और वाराणसी के बिजली कर्मचारियों ने सुबह ही सभी उप केंद्रों को छोड़ दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया। दोपहर से पहले ही ज्यादातर जो मतलब यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो अपना जो है मोबाइल फोन भी बंद कर चुके हैं। और अब लगभग लगभग स्थिति ये बन गई है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि घर में ना तो पानी है और ना ही इन्वर्टर है, वो भी जवाब दे चुका है और तमाम परेशानियां अब सामने आ रही हैं। अब ये सब जो चीजें हैं वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में सोमवार को कर्मचारियों ने हड़ताल किया था। हालांकि ऊर्जा मंत्री से उनकी जो है वार्ता भी हुई है, ऊर्जा मंत्री ने उनको आश्वासन भी दिया है, लेकिन अभी जो है बात पूरी तरह से क्लियर नहीं होने की वजह से ये हड़ताल हो सकता है कि आज भी जारी रहे। और स्कूल और कॉलेज तो 15 अक्टूबर से खुलेंगे ही, शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए कह दिया है अनलॉक 5 के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर अभी 3 हफ्ते तक न टेस्ट होगी, न हाजिरी होगी और ना ही कोई ऐसा आयोजन होगा। और ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे आएंगे उनके अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही वो स्कूल जा सकेंगे। स्कूल 3 हफ्ते तक हाजिरी और टेस्ट के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। प्रबंधन को रोज स्कूल की सफाई करानी होगी, शारीरिक दूरी के नियमों का पूर्ण पालन करना होगा, सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की जो पाबंदी है यानी कि आयोजन जो होगा उस पर पाबंदी रहेगी। मंत्रालय के अनुसार अभिभावकों की संतुष्टि के बाद ही छात्रों को बुलाया जाए, अन्यथा जब वे ऑनलाइन पढ़ाई जब तक वो पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई ऑनलाइन ही रखी जाएगी। और स्कूल प्रांगण के हर कोने, कैंटीन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पानी टंकी, शौचालय, फर्नीचर स्टोर, स्टेशनरी की रोज सफाई और नियमित संक्रमण मुक्त उन्हें करना होगा। शिक्षकों को बच्चों के साथ पढ़ाई की रोड मैप पर चर्चा करनी होगी, विषय को सीखने के नए तरीकों के बारे में बताना होगा। तो तमाम चीजें हैं, यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो अमेरिका में बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूयॉर्क में फिर स्कूल बंद होने जा रहे हैं, तो भारत में स्कूल अभी खुलने की तैयारी चल रही है। और शारीरिक दूरी का पालन ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी, यानी कि जरूरी प्रोटोकॉल के पालन में उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे, छोटे छोटे समूह के लिए अलग अलग टाइम टेबल होगा। तमाम चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारी गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई हैं। और बात करें अगर हम यूपीपीसीएस के बारे में, तो 2018 का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें स्केलिंग लागू हुई है या नहीं लागू हुई है, इस सवाल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार घिरता जा रहा है। सोमवार को इसी सवाल के साथ पीसीएस 2018 के तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और आयोग के अध्यक्ष को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। हालांकि आयोग के सचिव से मिलने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन मुलाकात का समय नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ये क्लियर करे कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू की गई या नहीं, साथ ही परीक्षा की जो मार्कशीट है वो भी जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। इस बार पीसीएस 2018 में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन बड़ी संख्या में हुआ है और इससे
उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रौद्योगिकी छात्रों का दावा है कि आयोग ने पीसीए 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग की व्यवस्था लागू नहीं की थी, इसी वजह से परिणाम प्रभावित हुआ है। और प्रौद्योगिकी छात्रों ने आयोग से पूछा है कि 5 जनवरी 2014 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति जिसमें स्केलिंग का फार्मूला वर्णित है, उस फार्मूले के तहत पीसीएस 2018 का परिणाम घोषित किया गया है या नहीं किया गया है, स्केलिंग प्रणाली को लेकर कोई बदलाव प्रस्तावित है या नहीं, इस संदर्भ में भी आयोग स्थिति को स्पष्ट करे। आयोग यह भी बताया कि पीसीएस 2018 का परिणाम उसके विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप जारी किया गया है या नहीं किया गया है। दरअसल आयोग ने पिछली परीक्षा की मार्कशीट के केवल स्केल्ड अंकों की जानकारी दी थी, नॉन स्केल्ड यानी कि वास्तविक अंक नहीं बताए थे, और इससे अभ्यर्थियों को यह मालूम नहीं हो सका कि स्केलिंग के बाद उनके अंक काटे गए या बढ़ाए गए। तो ये सारी मांग है जिसको लेकर लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थी जूते वो ज्ञापन देने पहुंचे थे। और बात करें अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों की, जो प्रवेश परीक्षा है वो पूरी हो गई है। प्रवेश परीक्षा के आखिरी दिन लगभग 68.95% जो है उपस्थिति रही। 15 अक्टूबर से प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पाठ्यक्रम के अनुसार जारी होंगे और इसी के साथ प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस बार जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी तैयारी में लग गया है, अभ्यर्थी जो है वो घर बैठे प्रवेश ले सकेंगे। और एलटी ग्रेड के कई जनहितों की फाइलें फंसी हुई हैं, अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में किया प्रदर्शन, फाइलें निदेशालय को भेजने की मांग की है। तो पूरी खबर यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित कई विषयों के अभ्यर्थियों की फाइलें अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फंसी हैं, जबकि 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इसी मसले पर चयनित अभ्यर्थी सोमवार को आयोग पहुंचे और वहां प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है कि पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय को भेज दी जाएंगी। दरअसल निदेशालय ने इन दिनों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है, लेकिन तमाम अलग अलग विषयों में तमाम अभ्यर्थियों के नाम ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल नहीं किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से उन्हें बताया गया कि आयोग से उनकी फाइलें नहीं आई हैं। इस मसले पर सोमवार को तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और प्रदर्शन किए। नेतृत्व कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के मुताबिक अनुभाग अधिकारी प्रेम प्रकाश राय ने आयोग के गेट पर आकर अभ्यर्थियों से वार्ता की और उनसे प्रत्यावेदन मांगे हैं। तो यही वजह है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके नाम जो है वो चयनितों की सूची में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फाइलें हैं वो आयोग से नहीं आई हैं। तो ये पूरी बात जो है अभ्यर्थियों ने रखी है आयोग के समक्ष। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद खाली होने की सूचना प्राप्त हो रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सरकारी महकमों में रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो तैयार हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद रिक्त हैं। इनमें से समूह और समूह यानी कि प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक आदि की करीब 3,500 पद हैं, जबकि समूह में सबसे अधिक 48,398 पद जो है वो रिक्त हैं। तो शिक्षा निदेशालय ने शासन को रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भेज दिया है। अब इस पर भर्ती कब करनी है ये अब देखना है। तो फिलहाल आपको बता दें जो रिक्त पद हैं उसमें जो मुख्य पद हैं तो ये लिस्ट आपके सामने है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो समूह में राजकीय कॉलेजों में यानी कि एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो फीमेल्स यानी कि महिला जो प्रवक्ता होंगी उनके लिए 626 पद हैं। राजकीय कॉलेजों में जो पुरुष प्रवक्ता होते हैं यानी कि जो पीजीटी होते हैं मेल, उनकी संख्या 1293 है। इसके अलावा राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक महिला के जो पद हैं रिक्त वो हैं 4,257 और अध्यापक पुरुष के लिए हैं 4,681। एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के पद हैं 2,696। एडेड कॉलेजों में सहायक अध्यापक के पद हैं 31,818 और बाकी के जो पद हैं वो आप देख सकते हैं। फिलहाल जो वैकेंसी आने वाली है वो अभी यूपी में टीजीटी और पीजीटी के लिए आ रही है और इसमें पदों की संख्या 17,000 के आसपास रहेगी। जूनियर हाई स्कूल में लगभग 4,000 पदों के रिक्त होने की सूचना लगभग 8 महीने से मिल रही है, लेकिन इस पर जो है भर्ती प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि लगभग 10 महीने हो गए। 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल और अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया गया था और इसके बाद अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि नई वैकेंसी कब आएगी। और इसके लिए हालांकि कई यूट्यूब चैनल पढ़ा भी रहे हैं लेकिन अभी वैकेंसी का कोई भी अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने जा रही है इसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं studywithgyanprakash.com पर जाकर। और अभी हाल ही में
यूपीएससी की यानी कि आईएएस की जो परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो आप ये सारी चीजें जो स्टडी मटेरियल है बिल्कुल फ्री में आप जाकर studywithgyanprakash.com पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में 2019 की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका भी पूरा क्वेश्चन पेपर, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ये भी आपको हमारी वेबसाइट studywithgyanprakash.com पर अवेलेबल करवा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।